Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue order of reaction. In yesterday class we completed definitions of order of reaction, in which we saw the first order, zero order and second order and third order. Then we saw the mechanism of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उससे हमें क्या पता लगता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म पता करना हो तो उसके लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूज़ करते हैं. इसमें जैसे हमने कल बताया कि अगर रिएक्शन स्टेप में हो रहे हैं तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारा होगा वो, उसको अगर हम जानना चाहते हैं तो वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होगा. अब एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं कि सपोज हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये डीकम्पोज होना है और यहाँ पे ये बेसिक मीडियम है और ये बनना है 2H2O प्लस O2. ओके और यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हमारा आ जाएगा -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ H2O2. ओके डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डीटी और ये हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड I-. अब इस इक्वेशन को देख करके हमें क्या आइडिया मिलता है, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है उस इक्वेशन को देखने के बाद क्या पता लगता है हमें. जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कैटलिस्ट के फॉर्म में है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, बात समझा रही मेरी. यहाँ हमें क्या समझा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन H2O2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और जो है कि कैटलिस्ट के रूप में जो आयोडीन यूज किया गया है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे मैटर क्या है, क्यों है ऐसा, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है. कुछ न कुछ रोल यहाँ पे आयोडीन का है. इट सजेस्ट दैट या एबव इक्वेशन सजेस्ट दैट that this reaction occur in two step, occur in two step and it's lowest step is a rate determining step, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो आयोडीन का इन्वॉल्व है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पे आयोडीन इन्वॉल्व है और फिर उसके बाद वो आयोडीन वहाँ से निकल जाती है. इसका मतलब है कि ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है. वो कौन कौन से स्टेप है जरा हम लोग देख लेते हैं. आई हैव नोटेड दिस. ओके, तो पहला स्टेप क्या है. पहले स्टेप में H2O2
रिएक्ट विथ गिव्स माइनस, दिस वन इज द इंटरमीडिएट, एंड स्टेप फर्स्ट, दिस वन इज द स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप टू, अगेन H2O2 विल रिएक्ट विथ IO माइनस एंड गिव H2O प्लस O2 एंड I माइनस। अब यहाँ पे ये कैसा स्टेप है, दिस वन जहाँ पे इंटरमीडिएट बना, दिस वन इज द स्लो स्टेप एंड दिस वन इज द फास्ट। तो जो स्लो स्टेप है वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब यहाँ पे जो हमारा ये इंटरमीडिएट बना है ये डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को कि कितना इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ IO माइनस इज अ इंटरमीडिएट। पहले तो ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको स्टेप को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2H2O2 प्लस हियर इज आई क्रॉस दिस क्रॉस मीन्स हियर इज आई इज कैटलिस्ट। यहाँ पे भी आई जनरेट हो गया, यहाँ आई जनरेट हो गया, मतलब ये कैटलिस्ट है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और 2H2O प्लस O2, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन से नहीं पता लग रहा है कि ये दो स्टेप में हुआ, लेकिन इस आयोडीन के साथ इंटरमीडिएट बन रहा है इससे ये पता लग रहा है कि दो स्टेप का है। ठीक है, तो ऐसे में कंसंट्रेशन जो IO माइनस का है वो डिटरमाइन करेगा कंसंट्रेशन, IO कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज अ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ओके इट इज अ इंटरमीडिएट ये क्या है इंटरमीडिएट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें जानना है, हमें मैकेनिज्म जानना है, हम तब जाकर के रेट निकाल पाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग जान गए थोड़ा। अब यहाँ पे जो है कि हम लोग जानेंगे सीडो ऑर्डर रिएक्शन। हैव यू नोटेड दिस, अब तक हम लोगों ने मैकेनिज्म के थ्रू ये जान लिया कि हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा। बिना मैकेनिज्म जाने ना तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना हमें मैकेनिज्म जानना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो मींस क्या हो गया, फाल्स, फाल्स अपीयरेंस देता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से पहले बात करेंगे फिर डेफिनेशन लिखेंगे, CH3CO यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिड के प्रेजेंस में और ये बन जा रहा है यहाँ पे क्या है CH3COOH प्लस CH3OH। अब इसके लिए हम रेट लिखेंगे तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3
वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वाटर यहाँ पे हमेशा एक्सेस में होगा। तो अब अगर हमने डिफिनेशन क्या बताई थी कि अगर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक कंसर्न एक जो है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे तो उसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, अगर दो के कंसंट्रेशन पे करेगा तो उसको सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। आई बात समझे? तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में C6H5, C6, C12, H22, O11, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये टूटता है C6H12O6, C6H12O6, जिसमें से ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, एसिड के प्रेजेंस में हम यहाँ हाइड्रोलिसिस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें दिख कुछ रहा हो कुछ रहा है तो क्या है, स्यूडो, स्यूडो मीन्स फाल्स। यहाँ पे ये वास्तव में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है सेकंड ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे रिएक्शन जो है कि हमें अपीयर ट्रूली जो है कि फर्स्ट ऑर्डर के नहीं दिखते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन अपीयर हो रहा है सेकंड ऑर्डर और वास्तव में क्या है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन रिएक्शन विच डू नॉट अपीयर अपीयर ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आगे लिख लेंगे हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन हमें देखने में कुछ और लगता है और रेट ऑफ रिएक्शन से कुछ और दिखाई देता है, वो हमारा क्या है, स्यूडो ऑर्डर है। तो आई होप ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन सबको समझ आ गया। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने देख लिया कि जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट डिपेंडेंट होते हैं, हेट्रोजीनियस कंडीशन में होते हैं, वो तो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके बाद हमें देखना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। और हम लोग को मैंने ये बता दें कि हमें इस चैप्टर में इक्वेशन का डेरिवेशन केवल दो ही चीज़ का पढ़ना है, एक तो जीरो ऑर्डर पढ़ना है और एक हमें
फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, उसी से हमें हाफ लाइफ का इक्वेशन निकालना है, उसी को उसी के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें ज़्यादातर फोकस करना है जीरो ऑर्डर पे और फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब तो हमें केवल जो है कि जानना था क्या उनका रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट जान लेना है, उनका डेफिनेशन जान लेना है, उनके एग्जांपल जान लेना है, लेकिन वास्तव में हमें जो पढ़ना है वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ना है, वो हमें फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए। अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल है यहाँ पे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह अगर जो मैथमेटिक्स से हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो बायो ग्रुप के हैं वो भी जान जाएंगे, कोई इसमें जो है कि बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, उसको तैयार किया जा सकता है। ओके, तो चलिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर देखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर किसके लिए जानेंगे? जीरो ऑर्डर के लिए। ओके, और इसके बाद हम लोग इसमें हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। ओके, तो चलिए कंसिडर करते हैं कि कोई एक रिएक्शन है आर गिव्स प्रोडक्ट पी, तो इसके लिए हम लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर के पावर जीरो। आर के पावर जीरो यानी ऐसा हमने जीरो ऑर्डर में बताया था कि जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है तो जीरो ऑर्डर है, यानी जितना भी रिएक्शन हम हेटरोजीनियस कंडीशन में कराते हैं या किसी भी ऐसी कंडीशन में करते हैं जबकि कंडीशन डिपेंडेंट होता है, जैसे लाइट के प्रेजेंस में, डार्क में, अगर ये कंडीशन न दी जाए तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो अब इस इक्वेशन को हम इसको हम लिख सकते हैं, और मैथमेटिक्स में बताया जाता है कि किसी भी पावर किसी के भी किसी टर्म के ऊपर अगर पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वन होती है। जैसे यहाँ पे हम आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके अरे पावर जीरो लिखा है तो इसकी वैल्यू वन हो गई, तो वन इंटू के इक्वल टू के हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं डी आर इक्वल टू के डी टी। ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें? इंटीग्रेशन वी गेट, अब जितनी वेरिएबल चीज होती है उसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे डी आर हो जाएगा और यहाँ पे के कांस्टेंट है, ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसके अगर वैल्यू देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में इंटीग्रेट, हमने ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ से फटाफट नोट कर लीजिए, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे जाएगा माइनस आर इक्वल टू के टी प्लस आई। ओके, अब यहाँ पे हमारा आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम सी भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा हो गया इक्वेशन आर इक्वल टू के टी प्लस आई। अब इस आई की वैल्यू हमें निकालना है, इक्वेशन हमारा सपोज ये वन हो गया, इफ एट लिख देते हैं टी इक्वल टू जीरो
अगर टी इक्वल टू जीरो हो जाए और कंसंट्रेशन आर इक्वल टू आर नॉट के बराबर हो जाए तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन पे आर नॉट या यहाँ लिख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन वन अब यहाँ पे टी जीरो रख देंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, आई इक्वल टू माइनस आर नॉट। अब इस आई की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन वन में रख देना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, एक लाइन यहाँ पे लिख लेना है वेयर आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की अब हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के बाद जो है इक्वेशन वन में पुट कर दें। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन इक्वेशन वन इन इक्वेशन वन वी गेट, हमें क्या मिलता है, ये हो जाएगा माइनस आर इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट। इसको इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, ठीक है। अब यहाँ से हम t इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाई के आर नॉट माइनस आर, ओके। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया, इससे हम कांस्टेंट और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, हैव यू नोटेड, ओके। अब हम इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो एक बार फिर से बता देते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये इक्वेशन निकाला इंटीग्रेशन कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टी को जीरो कर दिया, और उस कंडीशन में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ टी जीरो है तो हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर होगा। फिर यहाँ से हमने जीरो यहाँ पे रख दिया तो ये हिस्सा हो गया जीरो, इसकी जगह रख दिया इसको तो आई इक्वल टू माइनस आर नॉट हो गया, आई इक्वल टू माइनस आर नॉट हो गया। अब इस वैल्यू को उठा करके हमने इस इक्वेशन में रख दिया, इक्वेशन में रखने पर हमें ये मिला, इसको हमने इस साइड में किया आर नॉट माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के टी हो गए। यहाँ से चाहे टी निकाल लें, यहाँ से चाहे तो हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वन बाई टी कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। हम दोनों चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर हम ग्राफ बनाएं इसके लिए तो क्या होगा, ग्राफ तो इसके लिए हम ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये हमारा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन और हमारा टाइम। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एट द टाइम कभी जब टी इक्वल टू जीरो था तो कुछ कंसंट्रेशन था यहाँ पे आर नॉट, ये स्लोप हमारा क्या है, स्लोप है हमारा के,
स्लोप से हमें के की वैल्यू पता लगती है, ठीक है। और ये नीचे की ओर जा रहा है, ये निगेटिव स्लोप है हमारा, ठीक है, निगेटिव स्लोप, इससे हमें के की वैल्यू मिल रही है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। नोट कर लीजिए, ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ग्राफ दे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का एग्जैक्टली हाफ होने में जितना समय लेता है उसका वो हाफ लाइफ होता है। टाइम टेकन टू बिकम हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स हाफ लाइफ। कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ होने में जितना टाइम लेता है उसका क्या होता है? वो हाफ लाइफ होता है, ठीक है। द टाइम टाइम टेकन बाय सब्सटेंस सब्सटेंस टू बिकम हाफ ऑफ बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ दैट सब्सटेंस। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। अब हमें जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ देखना है, किसके लिए देखना है? जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए लिखना है तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा? पहले तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन लिखेंगे, के इक्वल टू वन बाई टी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। अब वेन यहाँ पे हमने देखा कि टी इक्वल टू टी हाफ, टी हाफ एंड कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है डेफिनेशन के हिसाब से। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे टी हाफ, ओके, यहाँ पे इनिशियल आर नॉट है माइनस आर नॉट बाई टू, तो यहाँ से क्या बचेगा? आर नॉट बाई टू अपॉन टी हाफ, यहाँ हम लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू ब्रेस नॉट सीयर सीयर then t half is equal to 1 by 2k or not, okay, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि t half इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से अगर हम कंसंट्रेशन और
टी हाफ के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा सीधा हो जाएगा, ठीक है। और ये वन बाई के हो जाएगा, यहाँ से स्लोप, स्लोप ये हो जाएगा वन बाई के, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वन बाई टू के, सॉरी यहाँ पे क्या होगा टू के। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या किया, क्या ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे बस इक्वेशन जीरो ऑर्डर का लिया, टी की जगह पे टी हाफ, आर की जगह पे आर बाई टू वैल्यू पुट किया, वन में से हाफ गया, हाफ बचा, और इसके बाद ये इक्वेशन हो गया, ग्राफ खींच दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन।